हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल फैंटेसी एफडीटी 11 पे आपका स्वागत है। आज मैं जीम 11 में फुटबॉल की टीम प्रोवाइड करूंगा। जो ए लीग का मैच है, मेलबोर्न विक्ट्री एफसी बनाम मेलबोर्न सिटी एफसी के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम प्रोवाइड करूंगा गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूँगा, आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते। तो यहाँ पर पे ए लीग पे लगभग और 2-3 मैच है सीज़न ख़त्म होने का। तो अभी तक दोनों टीम अभी तक जो 23 मैच खेल चुका है और 24 मैच के लिए राउंड है। और पिछले 5 मैच में दोनों टीम ने यहाँ पर से जो मैच खेला था, मेलबोर्न विक्ट्री ने 1 बार जीता है, 2 बार ड्रॉ किया है और 2 बार मेलबोर्न सिटी ने जीता है। लास्ट मैच गोललेस ड्रॉ किया था दोनों टीम ने। और यहाँ पर पे मेलबोर्न विक्ट्री जो अभी तक के लिए 3 नंबर पॉइंट्स टेबल पे है, 23 मैच खेल के 13 मैच जीता है, 4 मैच ड्रॉ किया है, 6 मैच हारे हैं। उनके पास 43 पॉइंट्स है और पिछले 5 मैच में 2 हार 2 जीत और 1 ड्रॉ है। लास्ट मैच 2-1 से जीता था पार्थ ग्लोरी एफसी के साथ। और यहाँ पर पे मेलबोर्न सिटी जो 7 नंबर पॉइंट्स टेबल पे है, यहाँ पर पे 23 मैच खेल के 8 मैच जीता है, 8 मैच ड्रॉ किया है, 9 मैच हारे हैं। उनके पास अभी तक 30 पॉइंट है। पिछले 5 मैच में 2 जीत है, 2 ड्रॉ है और 1 मैच टाई हुआ है। और यहाँ पर पे लास्ट मैच 2-1 से उनको हार मिला था सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स के साथ। और इस सीज़न काफ़ी ख़राब प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है ये टीम। और यहाँ पर से आज का मैच स्टार्ट करने जाएंगे यहाँ पर पे योंग, और यहाँ पर पे स्टार्ट करेंगे इज्जो, दोनों स्टार्ट करेंगे। इनमें से मैं योंग को पिक करूँगा या आप यहाँ पर पे इज्जो को अपने टीम पे ले सकते हो। डिफेंडर ऑप्शन पे काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा यहाँ पर पे कार्टिस गुड। यहाँ पर पे उनके नाम अभी तक 1 गोल 1 असिस्ट है। आज का मैच स्टार्ट करेगा डी सिल्वा, स्टार्ट करेगा डी सिल्वा, भी गोल दाग सकता है। तो यहाँ पर से गुड और डी सिल्वा को पिक किया। उसके बाद यहाँ पर पे गेरिया एक ऐसा अच्छा चॉइस रहेगा, जैसन गेरिया, उनके नाम भी यहाँ पर से गोल स्कोरिंग ऑप्शन रह सकता है। और यहाँ पर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पिक यहाँ पर से रह सकता है, आप टालबोट को अपने टीम पे ले सकते हो, ये भी एक अच्छा डिफेंडर है। सूरा पैन का अभी तक अपडेट नहीं है। टरोरे एक अच्छा चॉइस रहेगा, मैं टरेरो को पिक करूँगा क्योंकि टरेरो के नाम 3 असिस्ट है और एक अच्छा गुड पिक रहेगा। यहाँ पर पे आप ब्रेस को अपने टीम पर ले सकते हो, ये भी 1 गोल दागे है अपने टीम के लिए। तो यहाँ पर से गोलकीपर और डिफेंडर ऐसा रहेगा अभी तक मेरे टीम के लिए। मिडफील्डर ऑप्शन पे काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा, यहाँ पर से मचाज एक अच्छा चॉइस रहेगा क्योंकि मचाज ने अभी तक 6 गोल 4 असिस्ट मारे हैं, एक इम्पॉर्टेंट पिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पे नाटेल का अपडेट नहीं है, लेकिन आराजानी आज का मैच स्टार्ट करेगा, 2 गोल 6 असिस्ट है उनके नाम, मचाज आराजानी। और यहाँ पर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिडफील्डर है जकोलिस, 1 गोल 5 असिस्ट है उनके नाम। ब्रीमर को ले सकते हो, 3 असिस्ट है। और यहाँ पर पे मैं जैकुलिस को पिक करूँगा। यहाँ पर पे टीगे एक अच्छा चॉइस रह सकता है, 1 गोल 1 असिस्ट है, ब्रीमर को भी ले सकते हो। लोपानी भी एक अच्छा चॉइस है, 1 गोल 1 गोल इनके नाम है, मैं यहाँ पर पे ब्रीमर को पिक करूँगा। और ये रहेगा अभी तक मिडफील्डर चॉइस। स्ट्राइकर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आर्सेलान, आर्सेनल अभी तक 9 गोल यहाँ पर पे 6 असिस्ट मारे हैं। फॉर्नोली आज का मैच स्टार्ट करेंगे, 17 गोल 2 असिस्ट है, जो अपने टीम के लिए गोल मशीन है। मैकलरन काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है अगर आज का मैच खेलेंगे। और यहाँ पर से मैं आर्सेलान, फॉर्नोली और यहाँ पर से फोलामी को पिक करूँगा। फोलामी यहाँ पर से 2 गोल अभी तक अपने टीम के लिए मारे हैं। कपूतो भी 1 गोल 3 असिस्ट मारे हैं, आप इनको भी अपने टीम पर ले सकते हो। तो ये रहेगा अभी तक मेरा टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो अपडेट है, यहाँ पर से रहेगा फर्नोली, आर्सेलान, मचाज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पर पे। मेरा जो कैप्टन यहाँ पर से रहेगा, मैं यहाँ पर पे कैप्टन फर्नोली को पिक करूँगा। और वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर से मैं आर्सेलान को पिक करूँगा। आप चाहते तो यहाँ पर से मचाज और आरजानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन आ सकता है। तो ये रहेगा अभी तक मेरा टीम। मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन पर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गाइस। ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, आप हेड टू हेड के लिए, स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विन करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।